में रंजिश को लेकर हत्याकांड का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा नेता के परिजनों में दोहरे हत्याकांड को लेकर आईजी मुरादाबाद और पुलिस कप्तान बड़ापुर के दौरे पर थे, तभी बिजनौर में एक रंजिश को लेकर दिन दहाड़े साले ने ही जीजा को गोली से उड़ा डाला। बड़ापुर में दोहरे हत्याकांड की पटकथा एक माह पहले ही लिख दी गई थी, जिसका खुलासा आरोपी की फेसबुक से हुआ। घटना को अंजाम देने से एक महीना पहले ही आरोपी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की थी, जो डॉन के अंदाज में खुलेआम चेतावनी दे रहा है। एक बार आप भी खुद ही सुन लीजिए। जिसे मारने के लिए मैं था, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। सुना आपने किस तरह हत्याकांड का आरोपी घटना को अंजाम देने से पहले खुलेआम चेतावनी दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनौर की चाशीरी में एक साले ने घरेलू रंजिश को लेकर अपने जीजा को गोली से उड़ा डाला, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, जो दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला? थाना बड़ापुर क्षेत्र में कल शाम 6 लोग पार्टी करने गए हुए थे जंगल के बीचों बीच। वहाँ 2 युवकों को गोली मार दी गई है, जिससे उनकी हत्या हो गई मौके पर। पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को अस्पताल भेजा गया है। अभी जो नामजद अभियुक्त है और मौके पर एक व्यक्ति मौजूद था, रवि, उसे पूछताछ की जा रही है। और जो अन्य फरार लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार दबिशें दे रही है। जल्दी गिरफ्तारियाँ कर ली जाएंगी। सर, हत्या के क्या कारण हो सकता है? हत्या का कारण अभी स्पष्ट तो अभियुक्तों के पकड़े जाने पर ही हो पाएगा, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टा बताया जा रहा है कि मृतक ने इंटरकास्ट मैरिज करी थी, जिसको लेकर अभियुक्त ने एक दो बार टॉन्ट किया था, आपस में कोई झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े को लेकर शायद जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्या में प्रयुक्त हथियार का क्या था? पिस्टल या रिवाल्वर? अभी जब अभियुक्त पकड़ लिया जाएगा, ये चीज़ें भी आपसे शेयर करें। सर, मौके पे कोई कोका वगैरह मिला सर घटनास्थल पे? जैसे वो जो भी इन्वेस्टिगेशन की और डिटेल्स हैं वो शेयर करी जाएंगे। जिस तरह से अभी आईजी साहब के सामने चश्मदीद गवाह ने इस चीज़ का खुलासा किया कि 7 लोग थे, कल चूँकि SPRA साहब के सामने 6 लोगों को बताया गया था, CO साहब के सामने 5 लोगों को, इस तरह से चश्मदीद का दिन हर घंटे के बाद इस तरह का वो बदलना, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, तहरीर में जो FIR लिखवाई गई है वो 5 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। मृतक के परिवार वालों ने जो भी तहरीर दी है उसी के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाकी सच्चाई क्या है, ये विवेचना में अपने आप आ जाएगी। बड़ापुर हत्याकांड को लेकर मुरादाबाद के IG अमित कुमार शर्मा और जिले के पुलिस कप्तान संजीव कुमार त्यागी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और मुख्य आरोपी सहित चश्मदीदों से पूछताछ की। दोहरे हत्याकांड के आरोपी की सोशल मीडिया पर तरह तरह की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें आरोपी कभी डॉन तो कभी पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस विभाग की भी जमकर किरकिरी हो रही है। बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट।